सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। भाई एक बार फिर से आपको नई वीडियो में लेके आ चुका हूँ और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एक बजट फ्रेंडली राइडिंग जैकेट ढूंढ रहे हैं। तो आज जो मैं राइडिंग जैकेट परचेस करने वाला हूँ खुद के लिए, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कितने की पड़ेगी, क्या उसमें फ़ीचर हैं, कितने बेनिफिट हैं, सेफ़ कितनी है कि नहीं है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, सिटी में चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता, या फिर ऑफ रोडिंग का यूज़ करूँ तो कैसा रहने वाला है, डिटेल वाइज। साथ के साथ एक हम नॉर्मल राइडिंग के लिए एक हम ग्लव्स ले लेंगे जो कि अभी नॉर्मल के लिए ले रहे हैं। अगर हम एक्सट्रीम राइडिंग के लिए जब जाएंगे तो उसके लिए हम ग्लव्स चेंज करेंगे, बट एक नॉर्मल राइड के लिए एक अच्छा ग्लव्स भी हम चूज़ करने वाले हैं जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो को शूट करने के लिए हम आए हैं हेलमेट वाला रमेश नगर के अंदर, जहाँ से ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छी शॉपिंग करता रहता हूँ धीरे धीरे अपनी राइडिंग्स जैकेट्स वगैरह के लिए। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैंने हेलमेट वगैरह यहीं से ले रखे हैं, ठीक है। सो राइडिंग गियर्स किस लिए ले रहा हूँ भाई, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मैं एक राइडिंग सेटअप प्रॉपर अपना गियर रखने वाला हूँ जिसकी कॉस्ट लगभग 35-40 हज़ार रुपये आएगी, बट उसकी जो स्टार्टिंग है आज हम अपनी एक अच्छे राइडिंग जैकेट से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक बजट में भी हो और उसमें लेवल 2 के कम से कम प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हमारी हेल्प करने वाले हैं रोनी भाई, जो कि यहाँ पे सारा कुछ देखते हैं। रोनी भाई एक बार आ जाओ। सो रोनी भैया, वेलकम टू अवर व्लॉग। और आज की इस वीडियो में भैया थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि भाई देखो मैं फर्स्ट टाइम ये राइडिंग जैकेट परचेस कर रहा हूँ। ये है स्काला की राइडिंग जैकेट जो कि ब्रेव के नाम से, आई थिंक है ना, स्काला ब्रेव इसका मॉडल है, ठीक है, ब्रांड इसका स्काला है, स्काला ब्रांड है। और ये एक मतलब काफी अच्छा वेल नोन ब्रांड है, बट एक्सोर के मुकाबले इसकी जो ब्रांडिंग होती है वो काफी कम होती है। एक्सोर आप लोगों ने ज्यादातर एक्सोर ही सुना होगा, राइनॉक्स मतलब एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा काम करता है, एक्सोर राइनॉक्स वगैरह का ज्यादा रहता है, इसीलिए वेल नोन ब्रांड नहीं है, बाकी काम अच्छा कर रखा है। क्वालिटी में मैटर करती है और प्राइसिंग मैटर करता है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर, प्राइसिंग में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, सबसे पहले तो भैया इसमें क्या क्या सेफ्टी मिलती है बताओ। गौरी भैया आपको इसमें पहली बात तो आप इसको पहले खोलेंगे, खोल के आप देख सकते हो इसमें ये लेवल 2 के गार्ड्स है, लेवल 2 के गार्ड्स सारे इटालियन गार्ड्स है, ठीक है, सेफटेक के गार्ड्स है, ब्रांड भी मेंशनड है, कंपनी ने ब्रांड मेंशन किया हुआ है, सी सर्टिफाइड भी है, ओके, टेम्परेचर का भी इसमें मतलब आपको मेंशन किया हुआ है कि कितने टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। बाकी आपको इसमें चेस्ट पे भी लेवल 2 मिलता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है चेस्ट पे, जो ज्यादातर बहुत सारी जैकेट्स जो आप पॉकेट फ्रेंडली देखते हैं, आप 5-5.5 हज़ार में ज्यादातर लोग राइनॉक्स की जैकेट ढूंढते हैं, तो उसमें क्या है चेस्ट में कोई आर्मर नहीं है, और होता भी है तो ऑप्शन वो ज्यादातर फॉर्म का होता है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म होता है, वो ईवीए फॉर्म होता है, वो सेफ नहीं होता, ठीक है। और तो यहाँ पे लेकिन आपको लेवल 2 की प्रोडक्शन मिलने वाली है, और ये रिमूवेबल भी है, यहाँ से डिटैच करके आप इसको निकाल सकते हो, या फिर अगर इन फ्यूचर कोई इससे बेटर अगर मैं लेवल अगर मतलब अप करना चाहूँ तो वो कर सकते हैं। वैसे तो ये लेवल 2 का वैसे काफी बढ़िया होता है। बाकी भैया इसके अलावा और क्या बेनिफिट है इसमें? बाकी भी इस पे आपको जैसे इम्पैक्ट आपका जब आप बाइक से फॉल होते हो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपका शोल्डर पे शोल्डर्स में आता है, शोल्डर क्योंकि साइड वाइज ही साइड में अगर बंदा गिरा तो शोल्डर में आता है, तो शोल्डर पे आपको इस पे ये मेटल का स्लाइडर मिलेगा, ठीक है, मेटल स्लाइडर भी है, तो आपको अंदर तो छोड़ो बाहर की भी बाहर से प्रोटेक्शन मतलब है, प्रोटेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा इसके साथ में क्या मिलता है हमें? आपको दोनों लाइनर मिल जाते हैं, ठीक है, थर्मल लाइनर जो मिलेगा ये इंटरनली अगर जो इसको वायर करेंगे अंदर पहनने के लिए, ठीक है, और मतलब इतना आपको फील नहीं कराएगी कि आपने मोटा कुछ पहना हुआ, ठीक है। और बाकी इसके साथ आपको रेन लाइनर मिलता है, रेन लाइनर की भी क्वालिटी आप देख सकते हो, मतलब कलर ब्लैक है, बट क्या है कि इसमें आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है और काफी मोटा है भाई ये, मतलब ये मतलब बिल्कुल होता ना कुछ लोग जो रेन लाइनर जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, स्काला ने भी अभी मतलब ये अपडेट किया हुआ है, पहले स्काला का बहुत पतला आता था, मेरे पास पड़ा है अभी, मैं दिखा नहीं सकता, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर है मतलब रखा हुआ, भीड़ थोड़ा सा अंदर रखा हुआ, कोई बात नहीं। बाकी अब इसके भी क्वालिटी इन्होंने बहुत हैवी कर दी है, पहले लाइट वेट आता था, बहुत ही बढ़िया। बाकी मैं आपको इनको पहन के भी दिखाऊंगा कि मेरे पे कैसा जच रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ना एक सेफ्टी चाहिए थी, और प्राइसिंग रेंज चलो हम बता भी देते हैं भाई इसके अंदर भी, इसकी जो प्राइसिंग कॉस्ट पड़ने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज है, 8,000 रुपये के अंदर एक बेस्ट अगर आपको राइडिंग जैकेट चाहिए तो वन ऑफ द वन ये हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए ये, क्योंकि इसमें एक तो आपको काफ़ी बढ़िया रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, पीछे देख रहे हो आप ये प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा फ्रंट में भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहे हैं काफी लेंदी से पूरे, मतलब कि नाइट में अगर ड्राइव कर रहे हैं आपका, जैसे आपको रेन लाइनर नहीं पहनना, ठीक है, तो ये पूरा वाटरप्रूफ पॉकेट आता है आपको फोन वन रखने के लिए, तो अंदर आप इजीली रख सकते हैं, अच्छा बिना रेन लाइनर के भी हम अंदर आराम से इसको रख सकते हैं, कि मान लो गलती से हमने रेन लाइनर कैरी नहीं कर रखा तो उसके लिए भी है,
चलो बहुत बढ़िया, मतलब पॉकेट्स दी हुई है अंदर फोन वगैरह कैरी करने के लिए। आप अगर पैंट्स लेते हैं, पैंट अटैच करनी है तो उसके लिए जिप दे रखी है। बहुत ही बढ़िया, मतलब अगर हमने कल को राइडिंग पैंट तो लेनी है भाई तो इसको भी अटैच कर पाएंगे। बाकी जैसे जैसे भाई प्राइसिंग बढ़ेगी, मतलब कि अपनी क्वालिटी बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पैसा आना स्टार्ट होगा, उसके बाद इसकी जो राइडिंग जैकेट जो है वो अपग्रेड होती रहेंगी, ठीक है। उसी तरीके से मतलब अपग्रेड तो रुकता नहीं है, खर्च करोगे भाई उतने फैसिलिटीज मिलती जाएंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे बजट के अंदर आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको एक बारी आपको वेयर करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम थर्मल लाइनर पहनेंगे अंदर का, क्योंकि भाई एक्चुअल में क्या है कि सब कुछ वेयर करने के बाद कैसी जच रही है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको पहन लेते हैं। ये जो साइज है ये 3XL है, ठीक है। अब 2XL 3XL वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पे कैसी फिटिंग आ रही है। फिटिंग बहुत जरूरी है भाई दोस्तों, बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं लेनी और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लेनी कि हम चला भी ना पाए, या फिर हम इतना ढीला भी ना ले लें कि वो उतर जाए, या उसके जो गार्ड्स हैं नकल्स गार्ड्स जो है साइड्स के जो गार्ड्स हैं वो इसकी मतलब नीचे घिसने लग जाए, मतलब स्लाइड ना करें बेसिकली। तो ये देखो अंदर से ये पहनने का थर्मल लाइनर जो है, लुक्स भी काफ़ी अच्छी है। नियॉन का जो इसमें स्ट्राइप दी हुई है इसकी वजह से जो इसकी लुक है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर मैं इसको ना पहनूँ तो नॉर्मल पर्सन भी इसको मतलब देख के बता नहीं सकता कि क्या है करके, ऐसा सोचेगा कि कोई राइडिंग जैकेट पहन रखी है मैंने ये वाली भी। अब इसको हम बंद कर देते हैं और ऊपर से जैकेट पहनते हैं। सो ये हमने पहन ली है अपनी राइडिंग जैकेट। तो भाई ये देखो, एक तो ये यहाँ से टाइट भी हो जाती है अगर आपको ढीला फील हो रहा है तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी पहनने के लिए भी काफ़ी इजी है, यहाँ भी चैन सिस्टम दिया हुआ है, प्लस टाइट करने के लिए लूज करने के लिए दोनों चीज़ें दी हुई हैं। इसको हम यहाँ से टाइट भी कर लेंगे, और अगर हमें आर्म्स में लग रहा है कि ये थोड़ी सी ढीली हो रही है तो इसको भी यहाँ से टाइट हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी टाइट कर सकते हैं। बाकी इस पर क्या है, मेरे गार्ड्स यहाँ तक प्रॉपर आ रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, तो मतलब ये मेरे लिए फिट है, अच्छी है, और इस पर मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो फंस भी नहीं रही है, तो एक अच्छे पोजीशन में है ये। अगर मैं लॉन्ग राइड पे भी जाऊँगा तो मुझे कंफर्टेबल रहने वाला। अगर अब मैं इसके ऊपर पहनता हूँ अपना रेन लाइनर, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर रहेगा हमारा, तो कैसा दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे प्रॉपर ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि डिटैच करने का ऑप्शन है, मतलब कि सिर्फ चैन के बाद ऊपर कवर है प्रॉपर, मतलब पानी अंदर पानी जाने का कोई चांस ही नहीं बचेगा भाई। इसलिए भी खुला होता है कि पीछे छोटा कुछ मतलब बैग वगैरह भी होता है, तो इस वजह से थोड़ा खुला ही रखते हैं इसको। तो अब मैं पूरा कवर हो गया हूँ, अगर अब बारिश भी हो तो इजीली मैं इसको पहन के लंबे रूट पे जा सकता हूँ, सेफ्टी का सेफ्टी, प्लस मेरा जैकेट भी गीला नहीं होने वाला, पता भी नहीं चल रहा है कि आपने जैकेट पहनी है। हाँ मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि ऐसा लग रहा हो कि जैकेट बहुत ज़्यादा पहन रखी है, और पीछे काफ़ी गैप है कि मेरा इजीली एक बैग आ जाएगा, बैग खींचने में मेरा कितना पीछे आ रहा है, पीछे पूरा गैप है, आराम से पीछे मेरा एक बैग भी आ सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, बाकी बहुत गर्मी लग रही है मुझे क्योंकि अंदर थर्मल लाइनर भी है, पहनने में, बट अभी ऐसा मौसम नहीं हुआ, उसको हम उतार लेते हैं। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सब जगह पे ना एक रबर टाइप की दी हुई है जो कि प्रॉपर फिटिंग से आ रही है, फील आ रहा है। अब ये जो मेरी लुक है इस पर कैसा लग रहा हूँ भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई अभी क्योंकि हम ऊपर सेकेंड फ्लोर पे हैं, तो ये कैसी लुक आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये हैं ग्लव्स जो मैंने चूज़ करे हैं, ये टारमैक के हैं, ठीक है, और क्वालिटी जो है इनकी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो है बेसिकली वैसे सिटी राइडिंग के लिए ज़्यादा हैं, और लॉन्ग रूट पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और बुरे नहीं हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया इसके नकल गार्ड्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया, अगर हम जैसे सर्दी वगैरह में कहीं जाते हैं तो एक फॉर्म आती है, मतलब कुछ एक ऑप्शन आता है जिससे गर्म रहता है अंदर, हाथ ज़्यादा नरम नहीं पड़ते, बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ नहीं जाते, वो चीज़ के लिए होता है। बाकी सेफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्के हल्के इसके नकल्स दिए हुए हैं, हल्का हार्ड कुशन सा दिया हुआ है, एक बहुत ज़्यादा सेफ नहीं कहूँगा मैं इनको, ठीक है, बट एक सिटी राइडिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। मैं आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मेरा ज़्यादा जैसे ज़्यादा हाई स्पीड जो रहता है वो 100 110 120 के आसपास ही रहता है, इसके ऊपर मैं जाता भी नहीं हूँ,
और वो भी मैक्सिमम वो तब है जब खाली रोड हो, ठीक है। तो ये सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 की स्पीड तक मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, सेफ़ है, और इससे हाई स्पीड के लिए जो चलाते हैं भाई उसके लिए तो और बेटर लेने ही पड़ेंगे। बाकी हम इससे बाद इसके बाद भी लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कौन से ग्लव्स लेने हैं, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये के अंदर। बट ये जो ग्लव्स है ये सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये का है, और इसकी लुक्स भी अच्छी है, मेरे राइडिंग जैकेट्स के साथ भी ये मैच कर रहा है, और साथ के साथ एक अच्छी क्वालिटी का है। और इसका जो बेसिक यूज़ है ना वो सिटी के हिसाब से है बेसिकली, ठीक है। और टच वगैरह सब इससे फिंगर्स में टच वगैरह चलने वाला है, दोनों फिंगर्स में इसका टच है, तो मैं फ़ोन भी चला पाऊंगा, प्लस एक जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा है ये जो गेयर है, ये कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ, लगभग 10,000 से कम का आपका राइडिंग जैकेट यानी कि 8,000 रुपये का राइडिंग जैकेट आ गया, उसके अलावा सिर्फ 1500 रुपये के आपके राइडिंग ग्लव्स आ गए। अब आप लोगों ने बताना है कि आपको ये कैसा लगा मेरा जो मतलब जो मैंने चूज़ करा, कैसा लगा ये जो ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार इससे बेटर कुछ हो सकता था या इसके नीचे कुछ हो सकता था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं तो यही लेने वाला हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपका सजेशन जरूर लेंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आप प्लान करना चाहते हैं इनमें से कोई भी राइडिंग जैकेट या फिर और कुछ देखना चाहते हैं, हेलमेट्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, और भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं, तो आप आ सकते हैं हेलमेट वाला, और इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते देख सकते हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।